ಇದರಿಲ್ಲ ಪ್ರಭೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅದು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾತ ಭಕ್ತೀಶ್ವರರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜಿಯ ಚರಣ ಕಮಲ ಮೇ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಮರಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಪಾದ ಪದ್ಮ ನಿತ್ಯಲೀಲಾ ಪ್ರಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀಲಾ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜಿಯ ಚರಣ ಸದನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ಸಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ವೈಷ್ಣವ ವೈಷ್ಣವಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಭಾಯಿ ಸಭಿ ಕೋಥಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹಮ್ ಲೋಕನೆ ಪಹಲೆ ಜಬ್ ಶ್ರೀ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಾ ತಿರೋಭಾವ ಮಹೋತ್ಸವ ಚಲ ರಹಾ ಹಮ್ ಉಸ್ಕೋ ಉದ್ದೇಶ ಕರ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರೂಪ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೋ ಹಮ್ ಶ್ರವಣ ಕರೆ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈ ಜೊ ರೂಪ ಶಿಕ್ಷಾ ಹೇ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚೈತಾಮೃತನೆ ಏಕ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಏಕ ತಪೀಕ ಹೈ ಕಿಂತು ಇಸ್ಮೇ ವಿಶೇಷ ಕರ್ಕೆ ಪಾಂಚ ತಪೀಕ ಹೈ ಪಾಂಚ ತಪೀಕ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಗುರುದೇವ ಕಹತೆ ಥೆ ಜೈಸೆ ಭಾಗವತ್ ಮೇ ರಾಸ ಪಂಚಕ ಹೈ ಜೈಸೆ ರಾಸ ಪಂಚಕ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಕಹತೆ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಪ್ರಾಣ ಹೈ ಜೈಸೆ ಶರೀರ ಮೇ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ ಹೈ ಅಗರ ಶರೀರ ಹೈ ಅಗರ ಪ್ರಾಣ ನಹೀ ತೋ ಕದರ್ ಲೋಕ ಅಲಗ ಲೋಕ ರಂಜನಂ ಜೈಸೆ ಏಕ ಮರಾ ಹುವಾ ಶರೀರ ಕೋ ಅಗರ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಅಲಂಕಾರ ಸೆ ಸಜಾ ಉಸ್ಕಾ ಕೋಯಿ ಮಹತ್ವ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಕೋಯಿ ಮಹತ್ವ ನಹೀ ಉಸಿ ತರಹ कहते अगर शरीर में प्राण नहीं हो जैसे ये शरीर बेकार है कहते उसी तरह कहते श्री चैतन्य चैतामृत में पांच जो विषय है उसमें पंच प्राण है जिसमें एक है श्री राय रामन संभाव है दूसरा है श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिया जिसको रूप शिक्षा कहते हैं तीसरा है महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दिया जिसको सनातनी शिक्षा कहते हैं चौथा है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आप पंचवा है इसलिए श्रीमद महाप्रभु ने जो सार्वभौम भट्टाचार्य को उपलक्ष्य करके जो उन्होंने जो ज्ञान प्रदान की है हम उसका अंदर में जो डिस्कशन होगी गुरुदेव कहते ये पांच विशेष करके है उसका अंदर में ये जो रूप शिक्षा है उसमें एक ये तपीक है हम लोग बहुत बहुत कुछ श्रवण किया था ये जो तपीक है ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाव बुद्ध सुबलित नम कृष्ण स्वरूप जो स्वयं राधा कृष्ण जो मिल तनु श्रीमन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उपलक्ष्य करके जो उन्होंने रूप शिक्षा उपदेश दी है हमारे संप्रदाय में बहुत बहुत अच्छा विषय है कहते अगर ये विषय को कोई नहीं श्रवण करे ना हम भक्ति कहाँ से शुरुआत करें हैं जब हम भक्ति करते हैं उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं वो बाधाओं को धीरे धीरे हम अतिक्रम कैसे करें अतिक्रम करते हुए गुरुदेव ने हमें जो मंत्र प्रदान किया ये मंत्र है क्या जी फिर ये मंत्र हमें कहाँ तक ले जाता ये मंत्र हमें कहाँ तक ले जाते हैं इस सब चीज इसमें श्रीमद महाप्रभु बहुत अच्छे तरह से ये बात तो महाप्रभु ने बताए गुरु गोस्वामी को कैसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को कौन सा सौभाग्यवान जिसको भक्ति उन्मुखी जिनको जन्म जन्मांतर का भक्ति उन्मुखी सुकृत जिसने अर्जन किया है क्या अर्जन किया है वो भक्ति उन्मुखी सुकृत क्या है कभी ज्ञान अनजान में कभी साधु वैष्णव की सेवा कर दिया कभी ठाकुर जी को सेवा कर दिया कहीं प्रसाद पा लिया कहीं मंजिल परिक्रमा कर लिया है कभी ज्ञान अनजान में जो भक्ति उन्मुखी सुकृत जिसने अर्जन किया विशेष विशेष सौभाग्यवान व्यक्ति को क्या होता है गुरु और कृष्ण कृपा से उसको शुद्ध भक्तों का संग मिलता है इसलिए गुरु जी की कृपा से ही भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा से ही हमें जीवन में सदगुरु की प्राप्ति होती है पर सदगुरु जी जो हमें मंत्र प्रदान करते हैं वो मंत्र नहीं एक बीज है इसलिए इसको उदाहरण दिया भक्ति को एक लता को साथ में उदाहरण दिया लेकिन लता कब होगा जब बीज हो तभी तो लता होगा ना
बगैर बीज के लता आएगी कहाँ से। इसलिए गुरुदेव ने हमें जो मंत्र प्रदान किए है वो मंत्र नहीं, ये भक्ति लता की ये बीज हमारे हृदय में गुरुदेव ने बो दिया है। अभी हम माली है, हम अभी माली है। अभी जो माली जितने अच्छे तरह से को पेड़ पर संभाल करेगा फिर क्या होगा, उसका लता उतना जल्दी जल्दी बढ़ेगा है। अगर अगर हम रखवाली नहीं करें, लता में पानी नहीं दे, फिर क्या होगा, फिर सूख जाएगी, फिर लता सूख जाएगी। इसलिए वो पानी क्या है, बोले श्रावण और भक्तों का जो संघ है, भक्तों का जो संघ, इसलिए हमें भक्ति में कंटिन्यू आना पड़ेगा। कैसे नहीं, गुरुदेव ने मंत्र दे दिया है, गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, वहाँ कुछ दिन बाद में एक समय गुरु जी को पास में कोई एक माता जी आई, बोले गुरु जी हमें पहचानते हो, गुरुदेव ने हमें तो है कौन, बोले गुरुदेव आपसे मैंने हरिनाम किया था ना, गुरुदेव आपसे मैंने हरिनाम आपको याद नहीं, बोले तुम कितने दिन बाद में आए, बोले एक साल बाद कब आए, बोले एक साल को बाद में आए, बोले तुम खुद एक साल बाद में गुरु जी के पास में आए हो और कहते गुरुदेव आपसे मंत्र लिया था हमको पहचानते हो, ऐसे नहीं होता है। देखो एक छोटी स्टोरी सुना, एक समय एक गुरुदेव ने उनका दो चेले थे, कितना चेले थे, दो चेले को उन्होंने एक मुठ्ठी चाना दिया, तो देखो बच्चों चार साल के बाद में इसको मैं वापस लूंगा। एक चेला ने कहा, गुरुदेव कह रहे चार साल के बाद में वापस ले ली है, एक चेला ने किया कपड़ा में बांध देगा ना, एकदम अंदर में लव को अंदर में रख दिया, ताला बंद कर दिया। गुरुदेव जो मांगेंगे चार साल बाद में, बोला ना चार साल बाद में उसको निकाल जाएंगे गुरुदेव। लेकिन एक चेला बड़ा बुद्धिमान, एक मुठी जो चना था उसने खेती में बोया, तो दूसरी साल में कम से कम 2 किलो हो गया, चना हो गया 2 किलो, उन्हें दूसरे साल भी 2 किलो बोया, 2 किलो बोया तो तीसरी साल में हो गया लेकिन एक बोरी हो गया, एक बोरी हो गया। जब चौथा साल में एक बोरी को बोया ना, पूरा एक घर भर गया, पूरा एक घर बोरी भर गया। अभी गुरुदेव आए तो उन्होंने चेले को बुलाए, बोले भैया मैंने जो एक मुठ्ठी चना दिया था वापस दो। अभी जिसने एक कपड़ा में बांध करके लग कर दिया था ना, उसको खोला तो सब घूम पूरा पूरा कीड़े खा गए और पूरा खत्म, उसमें घूम लग गया पूरा पूरा कीड़े लग गए। दूसरे चेले को बोले भैया तुम तो, उसने बोले गुरुदेव इतना मेरे साथ में आओ क्या, तो उन्होंने दरवाजा खोला ना, पूरा एक घर भरा हुआ, एक घर भरा हुआ चना में। गुरुदेव ने कहा भैया तुमने क्या की, बोले गुरुदेव बताया ना आपने 4 साल बाद में देना, 4 साल बाद में, 1 साल में भैया इतना हुआ, 2 साल में भैया इतना हुआ, 3 और 4 साल में भैया तो पूरा घर भर गया। आस गुरुदेव संतुष्ट हो गए, बोले बेटा तू सही चले हो। इसलिए गुरुदेव हमें माला दे दी, बोले बेटा हरि नाम करना, अगर उसको पाद भूत करके लग में ताला बंद कर दोगे क्या होगा, कीड़े बढ़ जाए घोल लग जाएगी। इसको क्या करना, गुरु जी को कैसे देना है एकदम उसको हो। इसलिए मीरा कहती है ना, दीन दीन बरत सबायो पायो दीने ने राम रतन धन पायो। ऐसे नहीं करना उसको, रोजाना नियमित पूर्वक हरि नाम को करना है, संख्या पूर्वक नाम जप करनी चाहिए, संख्या पूर्वक नाम जप करनी चाहिए है। ऐसे नहीं माला को लेकर लटका के बैठ गया, गुरुदेव दे दिया तो लटका करके बांध के लक में बंद कर दिया, नहीं बंद नहीं करनी चाहिए। गुरु जी कहते थे एक दिन खाना तुम्हारी बंद हो जाए लेकिन माला बंद नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव कहते थे क्यों खा रहे हो, गुरुदेव क्यों खा रहे हो, खा कर क्या करोगे, जानवर क्या खाते नहीं, अगर भजन नहीं करो तो मर जाओ, गुरुदेव कहते मर जाओ, लेकिन भागवत कहता है जीवन सबो, वो जिंदे अवस्था में भी मरा है, वो जिंदा है ही नहीं, और बल्कि भगवान भजन नहीं करता, वो जिंदे अवस्था भी वो मरा व्यक्ति है, उसका जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं, क्यों जिंदा रहे मिलेगा, खाओगे पियोगे, कुत्ते सुअर क्या खा नहीं रहे पी रहे, खा पी करो क्या तुमने। इसलिए जीवन सब भगवता ले रहे हो, न जात मत अभिजगत जैसु भागवत के आए, जिंदा अवस्था में भी वो मरा व्यक्ति जो ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति
नहीं करता है, है? इसलिए अभी गुरु जी ने हमें मंत्र दी, उसको क्या करें, आवाज कैसे जाएगा उसको, तो उसका मुंह उधर कर उधर जा। इसलिए गुरुदेव जो हमें हृदय में जो बीज हमारे हृदय में पड़ा है, हाँ धीरे धीरे देखो गिर नहीं जाएगी इसका सर पर, एकदम धीरे धीरे उसको सर का अच्छे तरह से, और वो जो स्क्रीन को ऊपर उठा दो, माइक को ऊपर उठा दो, स्क्रीन को और उठा दो, धीरे 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 धीरे। अरे इतने बड़े बड़े पहलवान बैठे हो, क्या कर रहे हो, और थोड़ा आगे करो, और स्क्रीन को ऊपर उठाओ, उसको ऊपर उठा दो, उसको मुंह उधर कर दो, और थोड़ा हटाओ ना, क्या हटा नहीं पाते, क्या हो गया, उसको घुमा दो, पीछे घुमा दो, ठीक है, हरे कृष्ण, ठीक है, आवाज आ रही है अभी, आ रही कि नहीं। इसलिए गुरुदेव जो हमारी हृदय में जो भक्ति लता रूपी बीज को बोए हैं, क्या करनी चाहिए, उसमें पानी दो, उसमें पानी दो। पानी देना मतलब क्या है, भगवान की कीर्तन, भगवान की कथा, रोज हरिनाम करना, ठाकुर को पूजा करना, ठाकुर को भोग लगाना, तुलसी परिक्रमा करना, इसको रोज करनी चाहिए। सवेरे उठ करके कुछ नियम करो, सवेरे कुछ नियम रखो, सवेरे कम से कम एक डेढ़ घंटा पूरा भक्ति के लिए, और कोई काम नहीं। ऐसे नहीं रात भर टीवी देखे और स्मार्टफोन चलाए रात भर, और सवेरे सोए और उठे 10 और 11 बजे उठे, बोले नहीं ये कोई जीवन, इसको कोई जीवन नहीं कहते हैं, ये कोई जीवन नहीं है, इसलिए इसको कोई जीवन नहीं कहते हैं। इसलिए टाइम से सो जाओ टाइम से उठो, और सवेरे डेढ़ घंटा दो घंटा तक क्या करो, सवेरे उठते के पहले स्नान करो, उसके बाद में तिलक लगाओ, क्या करना, तिलक, बगैर तिलक कुछ नहीं, तिलक लगाओ, उसके बाद में ठाकुर जी की आरती करो, गुरु मंत्र जप करो, तुलसी परिक्रमा जरूर करो, और जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन इसको बोल कर तुलसी परिक्रमा जरूर करो, उसके बाद में जय ध्वनि पर जो वंदना है ना, वंदे अहम श्री गुरु श्री जी, तो उसमें वंदना करो, और थोड़ी सी कीर्तन करो, बस कीर्तन करके लिए अगर कोई सद ग्रंथ होगा थोड़ी सी पढ़ो, फिर दिन भर अपना काम करो, दिन भर सवेरे क्या होता है ना, जैसे घड़ी होता है ना, उसमें चाबी लगा दिया सवेरे, पहले होता ना एक बार चाबी लगा दो, बस दिन भर चलेगा। सवेरे आप देखना जो काम आप सवेरे कर दिया ना, पूरा एक डेढ़ घंटा तक बैठ करके स्तुति सब जय ध्वनि सब कर दिया ना, देखना मन को इतने आनंद, इतने मन को आनंद मिलेगा, जैसे मानो उसने ताला में जैसे अपने चाबी भर दिया, देखना उसका जो प्रभाव दिन भर तुम्हारे हृदय में पड़ेगा, दिन भर रहेगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे सवेरे एक घंटा भजन करो, उसमें जो लाभ होता है ना, आप देखना 24 घंटा भजन करो, सवेरे का एक घंटा को साथ में बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि सवेरे स्वाभाविक रूप में शरीर में सत्व गुण अपने आप आता है, दिन होते ही रज गुण आने लग जाते हैं, रात होते ही तम गुण आती है। इसलिए सवेरे का समय पर कोई काम में नहीं, सवेरे का समय में भगवान का नाम कीर्तन स्तुति स्तव पाठ, इसमें नियम करके उसको नियम करके रोज करना, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु बताए गुरुदेव ने जो हृदय में बीज बोए, अभी धीरे 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 अंकुर होगा, उसमें दो पत्ता होएगा, फिर धीरे 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 परिपनाते हुए वो बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, कहाँ बढ़ेगी, पहले ये ब्रह्मांड को भेद करेगा, ब्रह्मांड को भेद कर जाएगा। बोले क्यों ब्रह्मांड को भेद करेगा, कारण क्या है, क्या कारण है, यदि ब्रह्मांड जो लता ब्रह्मांड को भेद करके कहते परम ब्रह्म में पहुंचता है, भगवान के धाम में पहुंचता है, बोले क्यों ये ब्रह्मांड को भेद करेगा, मतलब क्या, बोले मतलब है हम लोगों ने जो गुरु जी से मंत्र प्राप्त किया है, वो जो मंत्र है गोपाल का, कौन सा मंत्र, गोपाल मंत्र, कहते ये हमें कहाँ तक ले जाएगा, बोले गोलोक वृंदावन ले जाएगा, लेकिन ये ब्रह्मांड में ऐसे कोई स्थान नहीं, वो लता जिसको आश्रय ग्रहण करे,
कुलता किसको आश्रय ग्रहण करे, इसलिए उसको कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारी जो भावना है कहाँ तक गोलोक वृंदावन। अब गुरुदेव और एक बात बोलते थे, जैसे बीज बोया, अगर बीज बोए अगर उसमें खारी पानी दे दोगे ना, अगर उसमें खारी पानी दे दोगे फिर क्या होगा, वो खत्म हो जाएगी। अगर उसमें बढ़िया मीठा पानी दो, गुरुदेव का बढ़िया मीठा पानी, और उसमें अगर थोड़ा मिश्री डाल दो, थोड़ा नींबू डाल दो, हाँ, और थोड़ी कर्पूर बात चढ़ाच है, इसलिए गुरुदेव उसका उदाहरण देते हैं। इसका मतलब है कहते पानी मतलब सत्संग साधु संग, अगर खाली पानी मतलब है अगर आपने ज्ञानियों का संग किया, जो भगवान को निराकार निराकार बोलने वाले हैं, जो बोलते कर्म मार्ग में जाने वाले, नहीं तो कोई योग और भोग मार्ग में जाने वाले, अगर इनकी संग किया तब ये खाली पानी, ये खाली पानी, पर जो लता तक जानी चाहिए पर तो खत्म हो जाएगी, मतलब आगे तुम्हारी भक्ति और बढ़ेगी, भक्ति तुम्हारी वही स्तब्ध हो जाएगी। इसलिए हमें पानी कौन सा पानी देना, बढ़िया मीठा पानी देना है, बढ़िया मीठा पानी। मीठा पानी मतलब क्या होता है, हमें जो संग चाहिए, हमें जो मंत्र मिला है ना, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं सो जातीय आशय सिद्ध साधु संग सत करे। देखो ध्यान से सुना, जो संग का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है, जैसे संग करोगे ना रंग ठीक वैसे है। अगर हम ब्रज रस रसी के भक्तों का संग करें, इसमें ब्रज भक्ति की जिसमें लोभ है, हैं, जैसे ब्रज भक्ति की जिसमें लोभ है, अगर ऐसे भक्तों का संग करेंगे ना, फिर क्या होगा, हमारी जो भावना ब्रज भक्ति राधा कृष्ण का प्रेम रूपी भक्ति में हमारे लोभ है, राधा कृष्ण के प्रेम रूप रस में फिर हम धीरे धीरे उसी तरफ में हम धीरे धीरे चलेंगे। इसे जो पानी है ना, तो पानी मीठा पानी होनी चाहिए, खारी पानी नहीं होनी चाहिए, उल्टा पुल्टा संगत हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए धीरे 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 वो लता बढ़ती है, लता भी बढ़ते 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 लता फिर कहाँ तक, फिर पहले तो ब्रह्मांड को भेद करेगा, ब्रह्मांड को भेद करके फिर गिरजा को भेद करता है, सत्व रज तम गुण से ऊपर जाएगा, फिर जा करके वैकुंठ तक जाएगा, फिर वैकुंठ से जाएगा अयोध्या, अयोध्या से फिर द्वारका जाएगा, फिर द्वारका से जाएगा हाँ मथुरा जाएगा, फिर मथुरा से जाएगा वृंदावन जाएगा। हाँ मतलब तुम्हारी जो भावना, हाँ तुम्हारी जो भावना वो कहाँ तक पहुँचेगी, राधा कृष्ण का प्रेम रस सेवा तक तुम्हारी भावना पहुँचेगी, हैं, सेवा रस तक पहुँचेगी। फिर गुरुदेव फिर बोलते थे वो लता जब वहाँ पर पहुँची, वो लता में 5 शाखा है, कितने शाखा है, कहते 4 शाखाओं को काट दो, 4 शाखाओं को काट दो, 4 शाखा काट दो मतलब शांत दास्य सत्य और वात्सल्य, कहते ये 4 शाखा को अलग कर दो, अलग करके केवल एक ही शाखा जिसमें रह जाएगी, वो कौन सा रस, बोले जिसमें श्रृंगार रस भी रह जाए, इसमें श्रृंगार रस। फिर गुरुदेव कहते थे ये श्रृंगार रस में भी फिर उसमें सोकिया परिया भी भाव, कहते भैया उसमें जो और जो दो उसमें और दो है, कहते एक को बाहर देखो फिर एक रह जाएगी, क्या रह जाएगी, कहते परिज्ञा है, लेकिन कहते परिज्ञा में भी उसमें भी 3 शाखा है, कहते स्वपक्ष या विपक्ष और तटस्थ है, कहते भैया विपक्ष जो कृष्णा को प्रेम करने वाले उसको छोड़ दे, और तटस्थ केवल एक शाखा रह जाए जो केवल राधा जी की अनुगत्य में श्याम सुंदर की जो सेवा है, राधा जी की अनुगत्य में बास, केवल एक शाखा उसमें रह जानी चाहिए, उसमें एक शाखा राधा जी की अनुगत्य में हमें ठाकुर को सेवा करना है। महाप्रभु कहते ही फिर वो बैठते बैठते राधा कृष्ण का चरण को आश्रय कर देता है, राधा कृष्ण का चरण को आश्रय कर क्या करता है, फिर बढ़िया सुंदर सुंदर फल होता है, जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें रसी रस है, जिसमें रसी ही रस है। इसलिए क्या करो, बस बैठ बैठ करके उसको पीते रहो, उसको हैं, इसे निगम कल्प करो गलित फल सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, मतलब पीवत भागवतम रसमालयम, कहते फिर उसको पियो, उसको पीते रहो, हैं, अरे खूब उसको पीते रहो। इसलिए फिर श्री महाप्रभु कहते देखो पियोगे तो, लेकिन बीच में ना एक बाधा भी आ सकती, बोले वो बाधा क्या है, बोले बाधा है वैष्णव अपराध,
क्या है कथा, वैष्णव अपराध। इसलिए इसका मतलब है कभी वैष्णव का चरण में अपराध को नहीं करनी चाहिए, भक्तों के चरण में अपराध नहीं करनी चाहिए, उनके नाम पर उल्टा उल्टा इधर उधर बात नहीं करनी चाहिए। उसको करने से क्या होगा, फिर तो गति जैसे एक मतवाला हाथी अगर किसी बाग में घुस जाए, मतवाला हाथी को पूरा हाथी देखा हो, कौन कौन हाथी देखे हो, अगर किसी देखा हो सब कुछ, इसलिए जैसे जिसमें लता ही लता, जिसमें लता ही लता हो, अगर कोई हाथी घुस जाएगा क्या होगा, वो सब तस तस कर देगा और सूर में पकड़ करके उखाड़ देता है। कहते ये क्या चीज है, कहते ये वैष्णव अपराध, साधुओं का निंदा है। इसलिए अगर ये हो गया, जैसे कोई पेड़ अगर ऊपर से काट दो ना, फिर उसमें शाखा प्रशाखा निकल सकती है, अगर भाई अगर जड़ से अगर उखाड़ दिया तो गया, अगर जड़ से उखाड़ दिया तो फिर गया। इसलिए जो वैष्णव अपराध है, कहते भैया ये जड़ से पूरा की पूरा पेड़ को उखाड़ देना है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते भैया भले ही तुम्हारी ज्यादा भक्ति नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी वैष्णव का निंदा चर्चा कभी मत किया करो, वैष्णव का निंदा चर्चा कभी मत किया करो, वैष्णव का निंदा चर्चा करने से हृदय सूख जाएगी, भजन करने की भक्ति करने की इच्छा नहीं करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अगर मेरे हाथ, भगवान कहते हैं मेरे हाथ अगर कभी संतों की विरोध में जाए, मैं अपना हाथ को भी मैं काट डालूंगा, मैं अपना हाथों को भी मैं काट डालूंगा, हाथ को भी मैं प्रसन्न नहीं दूंगा। मतलब भगवान भी अपना भक्तों का निंदा को ठाकुर भी सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करोगे तो फिर तो प्रेम फल उसमें आएगा, बात पर बैठ बैठे खाते रहो, बैठ बैठे खाते रहो। फिर महाप्रभु कहते हैं भैया उसमें भी और कुछ चीज भी आ जाती है, अब उसमें क्या चीज आती है हम बाद में सुनेंगे, अभी हमारे बीच में कुछ भक्त लोग थोड़ी थोड़ी कथा सुना रहे हैं, तुम भी कुछ कथा सुना रहे नहीं, अब वो कहाँ गया तुम्हारे दोस्त, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, हाँ पढ़ने के लिए क्या करने है? क्या बोलेगा, ठीक है हरे कृष्णा। अरे दामोदर और गजेंद्र और रोहिणी नंदन कोई है यहाँ पर, सबके सब अंतर क्या है, नहीं तुम आ जाओ, चिराग तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, क्या तुम लोग क्या कर रहे हो, ओ सेवा कर रहे हो, हाँ कल खाने पीने में लगे थे, आ जाए तुम आज, फिर इसके बाद में भी सुनेंगे महाप्रभु, अभी हमारे बीच में बच्चे लोग कुछ कुछ कथा सुनाएंगे, आ जाओ तुम बैठो, चिराग के गंजा में आ जाओ, और गजेंद्र है बैठो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। 10 मिनट चलो ठीक, तुम्हे गौरचंद्राय नाथिकाय कथाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृभक्ताय नमः, सर्वदा गुरुपाय पद्मनिधिरिणं प्रविष्टं विष्णुपादश्चोदश श्रीमद्भक्तिविधा नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में नारायणपुरी विभर प्रणाम करता हूँ, उनसे उनकी अत्यंत कृपा की प्रार्थना करता हूँ, तत्पश्चात ब्रजभद्रिवेदांत श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा अनंतपुरी विभर प्रणाम, उनसे उनकी अत्यंत कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर कृपा करें, हम उस पर कृपा करें कि हम अपने भजन साधन में आगे बढ़ पाए। महाराज जी का आदेश हुआ है कि कुछ बोलने का तो चेष्टा करूंगा, अभी सुबह सुबह गुरुदेव की भी एक कथा सुनी और आते वक्त कुछ भक्तों से भी चर्चा हुई, तो हम लोग लगे हुए हैं सुबह से लेकर रात तक, हम साधन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हर कोई कर रहा है, हरि नाम कर रहा है,
कोई 64 माला कर रहा है, कोई अच्छे से टाइम पे आने कर रहा है, ठाकुर सेवा विग्रह सेवा भी चल रही है घर में, हम हर कुछ कर रहे हैं, पर जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो कैसे पता चलता है कि ये जो कार्य किया, जो साधन किया, सही किया या नहीं किया, कैसे पता चलेगा? एक बच्चा जो स्कूल में भेजा आपने, कब पता चलता है बच्चे ने सही से पढ़ाई की? कब पता चलता है? जब परीक्षा होती है। परीक्षा रखी किस लिए गई है? परीक्षा किस लिए रखी हुई है? कि ये चेक करने के लिए इस बच्चे ने पढ़ाई करी या नहीं करी, करी तो कितनी करी, कैसे भाई नंबर आते। ऐसे ही सुबह सुबह श्री गुरुदेव अपनी लेक्चर में समझा रहे हैं कि जब तुम सेवा कर रहे हो, साधन कर रहे हो, तो पता कैसे चलेगा कि साधन सही हो रहा है, सेवा सही हो रही है? तो उसमें बताया गुरुदेव कह रहे हैं कि होगा क्या जब सेवा कर रहे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसी सेवा में मन और लगेगा। हम क्या कर रहे हैं? कथा के समय हरिनाम सेवा कर रहे हैं, हरिनाम के समय मानसिक रूप से कोई और सेवा कर रहे हैं, किसी समय कुछ और कर रहे हैं, तो क्या मेरा उस समय उस सेवा में आविष्टता है या नहीं है? नहीं माला में छुपाओ, समझना इस बात। गुरुदेव यहां बैठे हैं, मैं गुरुदेव की कथा सुनने के लिए बड़ी दूर से आई, ऑटो पकड़ के आई, स्कूटर पे आई, गाड़ी में आई, और क्या सोच कर आई कि वाह, 5-6 बजे से लेके 8 बजे तक 2 घंटे मिलेंगे और मैं माला खींच लूंगी वहीं पे। तो पूरा दिन मैंने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि पता है मुझे शाम को प्रोग्राम है, वहां बैठ के करना क्या है, माला करनी है। क्या मैंने ये सोचा कि उस समय 1 घंटा कीर्तन होता है और 1 घंटा गुरुदेव कथा बोलेंगे? ये पहले भी कई बार बोल चुके हैं हम लोग। एक बच्ची है यहाँ पे, मैंने देखा फिर भी कुछ कागज पेन ले आती है कभी कभी, कि कोई ऐसी बात आज बोली जाएगी जो कि मैं पक्का कल भूल जाऊंगी, और परसों तक तो कहाँ याद रहेगा, पर वो बात ऐसी बोली जाएगी जो शायद मेरे साधन में आगे मुझे पक्का काम मिले। तो मैं क्या वो तैयारी से आया, हरी कथा सुनने की तैयारी से आया? मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, मैं तो नहीं आया। महाराज जी ने कहा ना, खाने पीने में लगे रहते हो, हम तो सीधा आए, वही पीछे घुस गए, वही खाने पीने देखते क्या है। पर जो हरी कथा की तैयारी से आया होगा ना, वो इस तैयारी से आया होगा कि आज गुरुदेव के मुख से कुछ ऐसा निकलेगा जो मैं लिख लूंगा, और कुछ क्या पक्का ही निकलता है। हम चाहे लाइव भी देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि, और लाइव भी कैसे देख रहे होते हैं, यहाँ लाइव चल रही होती है, यहाँ कढ़ाई चल रही होती है। तो सही झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी की नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है जब तक महाराज जी थोड़ा मंगलाचरण करेंगे तब तक तेल गर्म हो जाएगा, जीरा डाल दूंगा, कढ़ाई ये भी बन जाएगा, और कथा की कथा भी चल रही है, क्या टेंशन है। अगर वाकई में गुरुदेव की बात से, जो कथा से लगा कि अगर वाकई में किसी एक सेवा को मैं कर रहा हूं, तो होगा क्या, उस सेवा में मेरी जो आसक्ति है या रुचि है, जो निष्ठा है, उस सेवा के प्रति वो बढ़ती जाए, मैं उसमें डूबता जाऊंगा, और उस सेवा का असर क्या होगा, चित्त प्रसन्न रहेगा, बड़ी प्रसन्नता होगी मुझे वो सेवा करके, प्रसन्नता होगी। तो गुरुदेव कह रहे, अगर ऐसा नहीं हो रहा कि उसी सेवा के प्रति तुम्हारी आसक्ति नहीं हो रही, उसी जो भी भजन के अंग का जिसका भी पालन कर रहा, चाहे वो हरि नाम जपना ही क्यों ना हो, अगर हरि नाम सेवा के ढंग से नहीं हो रही है तो क्या होगा, कैसी रुचि होगी? हे भगवान, आज 10 बज गए, 16 ही पूरी हो, कैसे करूंगे? चलो कोई बात नहीं, वो दीदी ने बताया था कि कभी एक आधी माला रह जाओ, अगले दिन कर लेंगे। ये विचार आता है ना, तो पता है मेरे जैसे का क्या हालत होती है, महीने की 30 तारीख और कम से कम 45-50 माला पेंडिंग पूरे महीने की मेरी माला पेंडिंग। तो फिर एक संडे निकालते हैं, उस दिन पूरा कुछ नहीं करेंगे, फिर हम आज केवल नाम करेंगे, ऐसे नहीं। ये सेवा का वो होगा नहीं, ये हरिनाम सेवा मेरी हो रही नहीं, ऐसी आसक्ति हो जाए कि मेरी तो आज की संख्या बहुत पहले हो गई है, इसलिए कर रहा हूं, क्या पता आगे जो मैंने कल की प्लानिंग करी है या परसों की करी है वो समय आए ना आए। क्या हमारे में से, हम कितनी बार सुन चुके हैं ये कथा में,
कि परीक्षित महाराज जी के पास सात दिन पे, हमारे पास कितने हैं? अरे हमारे पास अगले साल की प्लानिंग है, नदी की टिकट किसने किसने कराई है, अभी भी फ्लाइट में चेक कर रहे हैं, ट्रेन की टिकट तब आई, कर रहे नहीं कर रहे, अगले साल की प्लानिंग। और ये हरिनाम सेवा या जिस सेवा में मैं लगा हूं, क्या मैंने उस सेवा को उस समय यही सोच के किया कि ये मेरी आखिरी सेवा हो सकती है? ये और उससे पहले गुरुदेव ने निष्ठा देख रहे हैं। महाराज जी ने भी बड़ी सुंदर कथा करी थी, उनके हमारे परम गुरुदेव के जो अभी तिथि गई वृंदावन में मनाई मठ में, इतनी सुंदर कथा करी कि क्या हमारे गुरु वाक्यों में, गुरु जो हमारी संप्रदाय के जो विचार है उनमें निष्ठा है, अगर उनमें होगी तभी तो हम इन विचारों को करेंगे, हम उन विचारों को लिखेंगे, हमारे अंदर तड़प होगी कि आएंगे वैष्णवों से पूछेंगे, महाराज जी आएंगे उनसे पूछेंगे मेरे से हो नहीं रहा मैं क्या करूं, और हम क्या आते हैं रोते हुए आते हैं बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ महाराज, उसका करियर कैसे बनेगा, हाँ बिजनेस ऐसा हो रहा है महाराज कृपा कर दो, वो पता नहीं कैसा चलेगा, घर कैसा चलेगा, हाँ पति की शराब छुड़ा दो महाराज फिर मैं भजन कर लूंगी, हाँ बच्चे का ये करा दो तो मैं भजन कर लूंगा, इन कंडीशन से भजन नहीं होने वाला है। ये बोलो महाराज चाहे कंडीशन कैसी भी हो जाए, चाहे मुझे कल को रोड पे भी निकाल दे, पर आप ये कृपा करो ये बता दो ये हरि नाम में और निष्ठा कैसे, ये आपने मुझे सबसे पहली सेवा दी, सबसे पहली गुरु आज्ञा क्या थी, ये नाम चलो इस हरि नाम को अच्छे से गुरुदेव के वाक्य में पूरी निष्ठा रखो कि अगर गुरुदेव ने कहा है ना तो ये पक्का होगा। और क्या करना है, अपने आप को चेक करते रहना, वैष्णव संघ में रहना, कभी भी मत सोच लेना कि अकेले बैठ के मैं भजन कर लूंगा या कर लूंगी, मुझे हिंदी पढ़ना आता है ग्रंथ पढ़ लेंगे, हाँ बारह तो दे ही दी है, कई लोग ऐसा सोच के बैठ गए कि प्रभु जी हरिनाम तो सार है, हरिनाम ही तो सब चीजों का सार है, हरिनाम कर रहे हैं बड़े मजे से, अरे भाई कैसे कर रहे हो, सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा, वैष्णव संघ बिना संघ के कुछ होगा नहीं। तो जो घुमा फिरा के जो एक बात बोलना चाह रहा था वो ये था कि गुरु पर आश्रय गुरु में निष्ठा अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं कमी है, सेवा में निष्ठा नहीं हो रही है तो कहीं कमी है, वो कमी किसके अंदर है, क्या वो सेवा में कमी है, क्या वो गुरु में कमी है, क्या वो पूरी गुरु परंपरा में कमी है, नहीं वो कमी मेरे अंदर है, तो किसके अंदर ठीक करना है, दवाई की जरूरत किसको है, मुझे, तो कैसे कैसे जो मेरे को जो दवाई मिली है जो परहेज मिला है उसका मैं सही से पालन करूं, जिस समय जो सेवा है मैं वो करूं, जैसा गुरुदेव बता के जाते हैं ऐसा ऐसा करो। मैंने देखा पिछली बार महाराज जी ने बड़े उससे कहा कि इन गौड़िया वैष्णव कीर्तनों में गीती कुछ नहीं कीर्तनों में हमारे आचार्यों ने सारे शास्त्रों का सार भर दिया, इसे रोज पढ़ा करो। कौन कौन रोज पढ़ रहा, मैं तो नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता क्यों, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है, अरे बोल दिया होगा थोड़ा सा मूड में आ गए थे उस दिन तो शायद बोल दिया होगा, अरे ये उत्कंठा कैसे पता चलेगा कि मैं गुरु निष्ठा मेरे अंदर आ रही है, अरे आज कुछ बोलेंगे ना मैं कल से लग जाऊंगा, चाहे तन से ना लगाऊ मन से तो लग जाऊंगा, टेंशन से लग जाऊंगा, और एक दिन ऐसा आएगा गुरुदेव मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि मैं वो कार्य कर लूंगा, क्यों कर लूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला है उन्होंने शक्ति दी है और वो ही कृपा करेंगे इस विश्वास से। तो अगली बार जब आए वैष्णवों के पास अपना संसार ना रोए, संसार नहीं रोना, क्या रोना है, अध्यात्म रो ना, माला हो नहीं रही ढंग से, हाँ हरि कथा में मन लग नहीं रहा, ग्रंथ काला अक्षर भैंस बराबर, तो ये आगे रो ना कि ये नहीं हो रहा है, अरे संसार तो रुलाएगा, वो तो लिखा है दुखाले में शाश्वत, यहाँ महाराज जी भी यही समझाते हैं। तो असली में क्या क्या करना है, जो हम आ रहे हैं इस स्थान की, पहले भी एक बार बात हुई चर्चा हुई हम लोगों ने करी कि इतना सुंदर जो स्थान बनाया है इस स्थान की गरिमा को हम रखें, अगली बार हरी कथा के लिए आओ तो हरी कथा के लिए तैयार होके आएंगे, क्या लेकर आएंगे, कुछ पेन पेपर लेकर आएंगे, कुछ नहीं आएंगे तो कम से कम अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर रख देंगे और जाके फिर सुनना भी करो, ये वो बड़ी सुंदर बात है, अभी पीछे हमें कथा नहीं सुनाई दे रही थी तो हमें लग रहा था पता नहीं क्या क्या बातें बोल रही होंगी, पर ठीक है महाराज जी मुझे पता हमारे पे कृपा है, वो इंटरनली ट्रांसफर कर रहे, मुझे पता है, तो देखा ये भी बहाना है, ये भी बहाना है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम क्या सोचते हैं, अरे मैं कर रहा हूँ ना इंटरनल आ जाएगा, अरे उस सेवा को मुझे सेवा मान के करना ही पड़ेगा। गौर प्रमाणंद
आज में ज्यादा समय नहीं था। आज हम लोग एक जगह में ग्रेटर नोएडा गए थे, एक माता जी ना रोज 1,00,000 इनाम करते, कितना करती थी वो, वहाँ पर एक विशाखा दीदी है और विशाखा दीदी प्रचार करती है, देखो उनको भी पति पत्नी है, दो बच्चे देती हैं और खुद भी भजन निष्ठा खुद और रोज हरिकथा सुनाती है रोज। उसके घर में 4-5 माता जी आती हैं, इस बार राधा अष्टमी हो तो उसके बोल और 8 माता जी जुड़ गए और 8 माता जी जुड़ गई। लेकिन एक माता जी वहाँ आती थी कथा सुनती थी, एक महापुरुष कह रही ना जैसे हमने बीज बोया तो अगर पानी नहीं दोगे तब तक वो खाली पेट पेट जीता रहेगा, जैसे सूख जाती है पानी, मतलब वैष्णव संग है, और जब तक कथा सुनने के लिए आती थी 1,00,000 इनाम करती, अभी उसको 1,00,000 से कम 4 माला होगी, मतलब 64 माला से कर, बोले 4 माला कैसे होगी, बोले उनमें कथा सुनने आ नहीं पा आती नहीं, कोई ना कुछ बहाना बना देती, इसलिए तब तक हमारी माला रहेगी, तब तक तिलक रहेगा गले में कंठी, जब तक मंदिर में, जब तक हम मंदिर में आएंगे कथा सुनने में वैष्णव का संग करेंगे ना, तब तक हमारी भक्ति भी बढ़िया चलेगी। जब भक्तों का संग खत्म हो जाएगा ना, धीरे धीरे वो भक्ति धीरे धीरे नीचे उतरने लग जाएगी, इसलिए भक्तों का संग करने छोड़नी चाहिए, ठीक है ना। अभी हमारे श्री मनमोहन प्रभु जी थोड़े से कुछ बताए, 5 मिनट भाई बोलो तो जैसा गुरुदेव का आदेश हुआ कुछ हम कथा बोलने के लिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कथा बोलने की योग्य का निर्बंध नहीं, जो मैं करता हूँ ये बस एक गुरुदेव का आदेश है, उसको मैं पालन करने की कोशिश करता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैष्णव। तो एक ये वैष्णव परिवार के बीच में ये क्या है कि चर्चा का आदान प्रदान हो रहा है, कुछ विचार हैं जिनका हम आपस में आदान प्रदान करते हैं। कथा सिर्फ गुरुपाद पद में ही करते हैं, जो उस कथा को धारण कर सकता है केवल वही कथा कर सकता है, मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है। तो जैसे गुरुदेव ने कहा कि भागवतम में 5 प्राण हैं, जैसे चैतन्य भागवतम के अंदर ये बताया और श्रीमद् भागवतम के अंदर भी 5 प्राण है, उसी के लिए उसी भागवतम में उसके दूसरे मंगलाचरण श्लोक में बताया, धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्म शरणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलम श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं वा परिरीश्वर सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृते भी श्रु 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 भी तक्षणात्। जैसा भी प्रभु जी कथा बता के गए कि हमें कथा में रुचि क्यों होनी चाहिए, हमें कथा में रुचि क्यों नहीं होती और क्यों, क्या करने से कथा में भी रुचि होगी, और इसके कुछ लक्षण होते हैं इन चीजों के कि हम खुद देख सकते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर हम नीचे जा रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे अब इस श्लोक के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, बोले धर्म प्रोजित कैतवो अत्र, बोले जो कथा होती है जो भागवत कथा है जो भगवान के विषय में जो चर्चा है कैसी है, बोले धर्म, बोले कैसी है, बोले धर्म युक्त है। कौन सा धर्म, कितने धर्म, अगर आज देश में ये चर्चा हो जाए कि सब धर्म के प्रति टिप्पणी करो, जैसे गीता के ऊपर किसी ने करी थी, किसी ने 350 के आसपास हो चुकी है अब तक गीता के ऊपर टिप्पणी, मतलब टीका लिख चुके हैं उसके ऊपर लोग, पर वास्तव में कोई गीता कैसी कोई बता पाया आज तक, बोले कोई नहीं बता पाया हमारे गुरु वर्गों के अलावा। ये जो 350 गीता की टीका हुई है हमारे गुरुपाद पद्म जो गुरु परंपरा इससे अलग है, पर लेकिन आप किसी को भी उठा के देखो, किसी ने ज्ञान को लेकर के उसकी टीका करी है, किसी ने किसी चीज को लेकर के करी है, किसी ने बोला कर्म प्रधान है इस चीज को लेकर के टीका करी है, तो जिसने उसको जैसा समझा वैसे उसकी व्याख्या कर दी। अगर आज हम धर्म को लेकर के बात करें तो धर्म क्या है, तो उसी लिए बताया धर्म कैसा धर्म, बोले वास्तविक धर्म,
बोले धर्म प्रोचित कहते हो अत्र, बोले वास्तविक धर्म क्या है, बोले इस देह का धर्म, इस देह का धर्म क्या है, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने आस पड़ोस की सेवा करना, अपने बीवी बच्चों की सेवा करना, इस देश की सेवा करना, तो इस देह का धर्म क्या, बोले कि ये देह वास्तविक है, बोले ये देह वास्तविक नहीं है, इस देह से अगर वो प्राण निकल जाए तो इस देह की कोई वैल्यू है, बोले कोई वैल्यू नहीं है। तो बोले वो जो धर्म है वो किससे रिलेट होना चाहिए, इस देह से ही, इस देह के अंदर जो वास्तव में है उससे, बोले जो इस देह के अंदर है उससे, क्या है वो कोई बता सकता है, इस देह के अंदर क्या है, इतना तो साथ दे दो कम से कम, जीव है, आत्मा है। बोले उस जीव का धर्म क्या है, बोले प्रेम करना। अब बोले प्रेम कैसे प्रकाशित होता है, मैं बोलूं किसी से मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं और मुझे बोले भाई एक गिलास पानी ला दे, भाई पानी ला देना एक गिलास, प्यास से मर रहा हूं एक गिलास पानी ला दे, नहीं भाई मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, भाई पानी तो ला दे, अरे मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, तो ये क्या वास्तव में प्रेम करना हुआ, बोले नहीं। वो प्रेम कब दिखाई पड़ता है, जब हम उसके कही हुई बातों को माने, उसकी हम सेवा करें। तो जीव का धर्म क्या है, वास्तविक धर्म सेवा करना। अब इसमें आगे बताएंगे कि वो सेवा करनी किसकी है, बोले इसी इस कथा में, भगवत कथा में इसी बात को बताते हैं कि वो धर्म क्या है, धर्म क्या है, सेवा करना, किसकी सेवा करना, आगे हम सुनेंगे। इस पॉइंट्स को याद रखना, ऐसा नहीं सुनते चले गए पीछे वाला छोड़ गए भैया क्या पूछा था गए, ऐसा नहीं, जब सब चीज कनेक्ट करोगे तो आगे जाके कंक्लूजन निकल पाएगा। बोले धर्म प्रोजित कहते वो अत्र, बोले कैसी सेवा करनी, बिना कपट के। एक सेवा होती है अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, ये मिलेगा, अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अगर कल को मेरा भाई 2 स्टार बन जाता है, मतलब इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, SHO बन गया, मैं इसके साथ घूमूंगा, मैं बोलूंगा मैं इसके साथ घूमूंगा, बोले क्यों, लोग बोलेंगे पुलिस वाले के साथ, तो ये क्या होगा, पुलिस वाला होगा। ऐसे आजकल जैसे वो क्या चल रहा है, वीडियोज में आ रहा है ना, पुलिस वाले क्या करते हैं, जो पुलिस वाले हैं नहीं, जिप्सी लेके चल रहे हैं, पुलिस वाला साइड में बैठा है, जो बगल में जो ड्राइविंग कर रहा है पुलिस वाला नहीं है, फालतू में उससे पूछा गाड़ी के पेपर दिखा, क्यों, पैसे ऐठने के लिए। ऐसे ही अगर किसी के साथ रहने की वजह से ये सोचेंगे हम इसके साथ रहेंगे, इसकी सेवा करने से हमें फल मिलेगा, तो वास्तव में वो सेवा नहीं है। सेवा कैसी होनी चाहिए, कहता वो अत्र, बोले किसकी सेवा कर, किसके अनुगत्य में सेवा करनी होगी, बोले परमो निर्मत्सराणाम सताम, बोले परम निर्मत्सर साधु के अनुगत्य में वो सेवा करनी होगी। बोले परम निर्मत्सर साधु कैसे होते हैं, मैं नाम तो नहीं जानता उनका, मेरे नाम याद रखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन, मैं नाम याद नहीं रख पाता। तो एक भागवत में एक प्रसंग आता है कि एक ऋषि हुए जो ब्रह्म ऋषि, एक सबसे ऊंची पोस्ट होती है ऋषियों में, तो उनको बताते कि जब तक कोई ब्रह्म ऋषि नहीं बन जाता तो उसको मान्य नहीं है कुछ दीक्षा वगैरह देने के लिए। तो एक ब्रह्म ऋषि तभी ब्रह्म ऋषि बन सकता है जब दूसरा ब्रह्म ऋषि उसको वो उपाधि प्रदान करे। तो ऐसी एक ऋषि के उन्होंने 7 पुत्र मार दिए, क्यों, एक पुत्र श्री विश्वामित्र जी, मुझे ठीक से पूरा प्रसंग याद नहीं, सिर्फ इतनी स्टोरी याद है कि उन्होंने उनके 7 पुत्र मार दिए, क्या बोल करके, कि एक एक करके, बोले पहला पुत्र मारा, बोले अगर तुम मेरे को ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा दूसरा पुत्र भी मार दूंगा, ऐसे कर करके 7 पुत्र मार दिए। पर लेकिन उन्होंने उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं दी, लेकिन जब चौथी बारी जो लास्ट में जो वो कह रहे अभी मेरी उपाधि तो दे नहीं रहा, बोले क्या करे, बोले मैं इसे ही मार दूंगा। जब वो एक दिन उनके बेड के नीचे छुपे हुए थे, उनकी पत्नी से, अपनी पत्नी, उनकी जो विश्वामित्र जी की पत्नी थी, उनसे बोल रही थी कि आपके उन्होंने 7 पुत्र मार दिए, आप उनको ऐसे कर क्यों नहीं देते। तो वो उनकी वहां पे बुराई नहीं कर रहे कि उसने मेरे 7 पुत्र मार दिए, मैं उसे भस्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर रहे, वो दीनतापूर्वक उनकी तारीफ कर रहे। तो बेड से निकल के आकर उनके चरणों में गिर गए, बोले क्यों, मैंने आपके 7 पुत्र मार दिए, अगर कोई किसी का 1 पुत्र ही मारे तो हम जन्म जन्मांतर, बोले तुम मेरे शत्रु आंखों के सामने बता दिए, इतनी आंखों से ही भस्म कर दूंगा, ऐसी वाली कंडीशन हो जाती है। पर उनके क्या कर दिए, 7 पुत्र मार दिए, तब भी वो क्या कर रहे, उनकी बुराई नहीं कर रहे, उनको क्षमा कर रहे। तो उनके बाहर, जब उनके बाहर निकल गया, उनके पैर पकड़ लिए उन्होंने, बोला कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपके 7 पुत्र मार दिए, तब पर भी आप मुझ पर क्रोधित नहीं है। तब उन्होंने जब उनके जब पैर में पड़े, तब उन्हें खड़े होकर कहा, ब्रह्म नाम लेकर के कहा कि ब्रह्म ऋषि खड़े हो। तो इसे कहते हैं वास्तविक परमो निर्मत प्रणाम सता, मतलब अपनी जब खुद के हृदय में कुछ भी ना होते हुए भी दूसरों का कल्याण करना। बोले वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, बोले वेदों के अंदर जो वास्तविक वस्तु बताई गई है उसकी सेवा करना, और उस सेवा करने से क्या होगा, शिवदम, शिवदम मतलब होता है कल्याण, उस सेवा को करने से क्या होगा, कल्याण होगा। बोले वेदों में वास्तव वस्तु क्या बताई गई है, फिर बता सकता है,
जैसे पिछले दिनों एक श्लोक था, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह आदि रनादि गोविंद सर्व कारण कारण। वेदों में यही एक मंत्र है जिसमें सब सारे मंत्रों में जो मूल है, बोले ईश्वर परम कृष्णा, बोले वास्तव वस्तु कौन है, एकमात्र कृष्ण। तो सिर्फ कृष्ण की सेवा करने से ही हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। बोले कैसा कल्याण होगा, तापत्रोन्मूलनम, बोले तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे। बोले तीनों तापों से नहीं, उन्मूलन मतलब होता है जड़ समेत। जड़ समेत मतलब समझते हैं, तीन ताप कौन कौन से हैं, आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक। बोले इन तीनों का कारण क्या होता है, बोले हमारा जन्म लेना। हम इस देह में आएंगे, जन्म लेंगे, तभी तो ये तीनों चीज हम पे होंगी। बोले इस जन्म लेने का वास्तविक कारण क्या है, हमारी अज्ञानता, भोग वृत्ति। ये जो मूल कारण है, यानी कि इन कथाओं को सुनने से, भगवान की, ठाकुर जी की सेवा करने से, किसके अनुगत्य में, गुरुपाद पद्म के अनुगत्य में, ठाकुर जी की सेवा करने से वास्तविक रूप में कल्याण होगा। कैसा कल्याण होगा, हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का पता चलेगा। बोले लेकिन अब नीचे इसमें लिखा है कि इतना करना तो बहुत बड़ी बात है, सेवा करना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। आप बाहर निकल जाओ, किसी को पांच मिनट बोल दो, प्रभु जी आओ कथा हो रही है मठ में, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, कितने लोग हैं जो आएंगे अंदर, कोई ऐसे बता सकता है, एक आदमी हाथ खड़ा, भैया मैं 10 लोग ला सकता हूँ, ऐसे कोई ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल दे कि मैं 10 लोग अपने साथ अभी जाता हूँ। प्रभु जी बड़ी छोटी सी बात की आपने, 5 मिनट में गया और 10 लोग लेके आया, ऐसा कोई बोल सकता है, अगर कोई जाए, भाई मैं तो नहीं कर सकता, किसी दूसरे की बात नहीं करता, मैं तो नहीं कर सकता। तो बोलिए कैसा है, वेद्यम वास्तव अत्र शिवदम तापत्रोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र। बोले सेवा करनी तो खैर बहुत बड़ी बात है, बोले मुझ जैसे बद्ध जीव के लिए जो सेवा करने की भावना हृदय में रखता है, अभी उसकी व्यवस्था नहीं है, किसी कारणवश नहीं कर पा रहा, लेकिन भावना रखता है कि काश मैं वृंदावन जाके वृंदावन की परिक्रमा कर पाता, गुरुपाद पद्म के चरणों का आश्रय लेकर के वहां पर ठाकुर जी की सेवा कर पाता, इस प्रकार की जो भावना रखता है, भगवान क्या कहते हैं, ऐसे सुकृतिवान जीव के हृदय में मैं क्या करता हूं, आके अपने आप को बंद कर लेता हूं। बोले ऐसी कथाओं को छोड़ करके हमें और कहीं जाने की क्या जरूरत है। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, हफ्ते में एक दिन तो निकल सकता है, संडे के दिन तो सभी की छुट्टी होती, सरकार भी अनाउंस कर देती है कि जाओ आज के दिन तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो, कह रहे पार्टी कर लो, पर वास्तविक पार्टी क्या है, बोले इस देह की पार्टी, अभी आ खाया और सुबह को निकाल दिया, ये पार्टी है क्या, बोले ये कोई पार्टी नहीं है, गंद खाना और गंद निकालना ही है। बोले वास्तव में क्या जाना चाहिए, जो अंदर जाए और अंदर ही रह जाए। वांछा गर्भगृह हाँ, इसलिए असली पार्टी भगवान का नाम, देखो मुंह से जो चीज खाओगे ना, इसलिए भागवत में बताया पीबतम रसमालयम, बोले रस को पान करो, जैसे कोई चीज हम पान करते हैं ना, किधर से पान करते हो, किधर से पीते हो, मुंह से, बोले मुंह से जो कोई चीज पियोगे ना, अब अंदर में रख ही नहीं सकते, नीचे निकलेगा ही, लेकिन जो चीज कानों में पियो ना, वो कभी निकलेगा नहीं। इसलिए कहते भक्ति रस को मुंह से मत पिया करो, किधर से पिया करो, कानों से पीनी चाहिए। इसलिए यही असली पार्टी है, जो आकर के भगवान की भक्ति रस को रोज हम कानों से पान करें, ठीक है। अभी हमारे बीच में और एक छोटा बच्चा, हाँ, श्री चैतन्य चंद्र प्रभु जी कुछ बोले। हरे कृष्णा, खड़ा हो जाऊंगा तो भी आधों को नहीं दिखूंगा, बैठ के आधों को नहीं दिखूंगा तो बैठा ही ठीक। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरांगी मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षो जेगरिमा तथेव तनिमा मध्ये गतुर्मन्दिमा श्रोण्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा
श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा ध्याने स्तुमे गोचरा संचिन्तयत् भगवच्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाड्यं उत्तुंग रक्त बिलसत् नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराम हदभे हृदयांधकार। हरे कृष्णा, मैं सबसे पहले अपने परमाराध्य अति प्रिय सरसवाणी युक्त श्री महाराज जी, जो मेरे सद्गुरुदेव हैं, जो व्यासासन पर शोभा की भी शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे श्री महाराज जी के श्री चरणों में बार 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 अपना माथा टेकता हूँ। उसके बाद अपने परम गुरुदेव पूज्यपाद भक्त शिरोमणि भक्ति प्रदायक श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणारविंदों में प्रणिपात करता हूँ। यहाँ पर समस्त उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियाँ, जिनकी कल्पना, जिनके ऊपर श्री भगवान अतिशय प्रसन्न हैं, क्योंकि वे भगवान की प्रिय, भगवान को अपना, देखो भगवान को सबसे प्रिय क्या है, भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम है गोविंद। और गोविंद शब्द में जो वी शब्द है, गोविंद जैसे हम लोग बोलते हैं गोविंद, उसमें जो विवर्ण है वह क्या है, उसका अर्थ है विरधि लाभी। जिसको अपनी स्वयं की कथा सुनने में बड़ा आनंद आवे उसको श्री गोविंद कहते हैं। ये एक अर्थ है गोविंद का। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आप लोग को सबको प्रणाम करता हूं। बहुत सारी बातें सुन ली कानों से, प्रभु जी बता गए, प्रभु जी ने बता दिया तो थोड़ा सा डर भी लग गया। अब थोड़ा काम हो जाए, आराम से काम शांत। देखो बहुत महिमा है, बहुत विस्तृत महिमा है, लेकिन मेरे को तो एक बात पता है कि ठाकुर जी से यदि प्रेम होवेगा तो कथा श्रवण से ही होवेगा, अन्यत्र कोई साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि कथा के अंदर रस है, और रस कहां से आया है, हमारे ब्रज के भाव हैं। कथा को रस वृंदावन सो आयो, कथा को रस वृंदावन सो आयो, सुखदेव परीक्षित ही गायो, सुखदेव परीक्षित ही गायो, कथा को रस वृंदावन सो आयो, कथा को रस वृंदावन सो आयो। रस, देखिए हमारे कोई भी काम करें, हम लोग कोई भी करें, अर्चा करें, समर्चा करें, भाव उज्जवल परम अर्चा करें, चाहे किसी भी प्रकार से भक्ति में आगे बढ़े, उन सब में प्रधानता है वो किसकी है, भाव की। क्यों? क्योंकि भाव ग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव ही भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही या सार है, भगवान भाव के भूखे हैं। देखिए आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। जब श्री रघुपुंगव, श्री भगवान श्री राम जब धनुष को उठाने के लिए जा रहे थे, जब धनुष को उठाने के लिए जा रहे थे तो ऊपर शूलपाणि शिव जो हैं, उन्होंने देखा साक्षात मेरे भगवान धनुष उठाने के लिए, धनुष का भंजन करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान ने पहले, शिव जी ने पहले ही धनुष को कह दिया, देख भैया मेरे स्वामी आ रहे हैं और मेरे अंदर उनके प्रति अगाध भाव है, इसीलिए जब वे छूए, छूते ही तू टूट जाना, क्योंकि उनका स्पर्श पाने का तुझे बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और छूए तो छूते ही अपनी कठोरता छोड़ देना। इसको गोस्वामी पाद ने श्री कवितावली में कहा है, मयन महन पुर दहन गहन जानी, आने के सबे को सार धनुष गढ़ायो है, जनक सरसी जेते बड़े बड़े भूमिपाल, कियो बलहीन बल आपनो बढ़ायो है, कुलिस कठोर कुर्म पीठ ते कठिन आति, काहू ना पिनाक नेक चपरी चढ़ायो है, पर तुलसी सोराम के सरोज पानी पर सत, टूट्यो मानो बारे ते पुरारी हूँ पढ़ायो है। श्री राम जी के छूते ही वो धनुष टूट गया, ऐसी प्रतीति हुई कि जैसे शंकर जी ने धनुष को पहले पड़ा रखा है कि भैया देख
भाव है मेरे भीतर श्री भगवान है, वो मेरे मेरे प्राण प्रिय है, मेरे सब कुछ है, मेरे अंतर्यामी है, मैं उनका दास हूँ, सेवक स्वामी सखा सिए पी के। इसलिए जब वे छुए तो अपनी कठोरता छोड़ देना और उनकी शरणागत हो जाना। ऐसे ही जीव जब अपनी कठोरता छोड़ देता है तो मंद मंद मुस्कुराते हुए रघुपुंगव और श्री गोविंद उनके समक्ष जाकर के जब अपना दिव्य वर्ध हस्त उसके उसके मस्तक पर पधराते हैं तो जीव का जीव धन्यात धन्य हो जाता है, उसका सद कल्याण हो जाता है। हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, एक एक व्यक्ति एक एक शब्द एक एक भाव को लिए हुए बैठे हैं। माला देखो, ऐसी बात नहीं है कि जिसके अंदर भाव नहीं है उसकी एंट्री नहीं है भक्ति में, नहीं। अगर ऐसा होता तो नाम की महिमा में क्यों कहा जाता, क्यों कहा जाता, भाव कुभाव अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशी दस हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों कहा जाता, और श्रद्धया हेलयावा भृगुवर्णन मात्रं तारयेति कृष्ण नाम, क्यों कहा जाता। लेकिन कथा किस लिए है, श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए ही कथा है। उसके अंदर बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं, ठीक है। शिक्षा के लिए भगवान चरित्रों का भगवान चलन किस लिए करते हैं, उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए। लेकिन भैया कथा सो ही श्री कृष्ण सो प्रेम हो पाएगा, अन्यत्र कोई साधन नहीं है। आप लोग खूब कथा श्रवण करें। हमारे इस श्री मन्मथ देवाड़ेश्वर वैष्णव परंपरा के जो आदि भगवान है वो कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु से ही तो गौड़िया से संप्रदाय से श्री चैतन्य महाप्रभु से ही आई नहीं ये संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु देखो आप लोग सब बड़े अंतरंग भक्त बैठे हैं। मैं ऊपर से जब महाराज जी ने तिलक कर लिया था तो तिलक करने के बाद महाराज जी ने मुझसे कहा, ए पता है जो आज यहाँ पे बैठेंगे ना वो सब बहुत भावुक भक्त हैं, तो थोड़ा ध्यान से कथा बोलियो, ऐसे कहा था महाराज जी ने। मैंने कहा अच्छा महाराज जी ठीक है। तो फिर इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु आए। महाप्रभु के आने का क्या कारण है, अच्छा कारण छोड़िए, महाप्रभु के आने की भूमिका कैसे बनी, कैसे उसका महाप्रभु आए, उसके कोई भी चीज होती है तो उसकी पहले इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद उसकी डिक्लेरेशन होती है, उसके बाद भूमिका बनने के बाद वह चीज होती है। महाप्रभु आए उनकी भूमिका बनी है, किस लिए, क्योंकि भाव के कारण, गोपियों के भाव के कारण भूमिका बनी। गोपियों का भाव है, बेंदी में राधा कृष्ण, चोटी में चोर प्यारे, और मोती में गोविंद सो में भाव का को गाऊंगी। श्री गोपियों के शब्द हैं। देखिए क्या हुआ, महाप्रभु की भूमिका कैसे बनी, आप लोग इस प्रसंग को शायद पहली बार सुनेंगे। जब श्री गोविंद गाय चराते चराते वन में जाते हैं गोचारण के लिए, जब भगवान जाते हैं तो जाने जब जाते हैं तो जाने के बाद गोचारण के बाद मध्य जो संध्या की बेला है उसमें भगवान वापस आते हैं गो चरा करके गो आते हैं, तो जब वापस लौटते हैं तो गायों की खुर से जो धूलि प्रकट होती है, जो गाय चलती है तो उनके खुरों से जिस रज का उदयन होता है निकलती है वो श्री गोविंद के ऊपर ऐसे प्रस्तुत हो जाती है कि मानो गाय का छोटा सा बछड़ा चल रहा हो, भगवान के पूरे मुखारविंद को वो रज जो गो चरण रज है वो ऐसे आकुलित करती है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की विशेषणा ब्रह्मा आदि भी नहीं कर सकते। और जब भगवान गायों के बीच में प्रस्तुत होते हैं नंदगांव पुनः नंद महल में उपस्थित होते हैं तो आते वक्त ऊपर अट्टालिकाओं के गवाक्षों से और झरोखों से गोपियां देखती हैं कि अब श्री कृष्ण का मधुरातीत मधुर दर्शन हमको होएगा। और भगवान जब जैसे ही आते हैं तो भगवान गायों के बीच में ऐसे छुप जाते हैं कि गोपियों को दर्शन नहीं होता, उनकी विरह पीड़ा धधकते हुए बढ़ती है। और जैसे ही भगवान नंद महल में आते हैं तो द्वार पे यशोदा जी आरती का थाल लेकर के प्रस्तुत हो जाती है और गोविंद दरवाजा खटखटाते हुए सारे ग्वाल बाल यशोदा मैया से कहते हैं, यशोदा मैया खोल की वरिया,
लालू आयुधीनु चराए आयुधीनु चराए लालू आयुधीनु चराए यशोदा मैया खोल की बढ़िया। श्री यशोदा जी दरवाजा खोलती है और दिव्य आरती श्री भगवान की करती है और आरती के बाद अपनी गोद में लेकर के श्री यशोदा जी नंद महल के कोने में बैठती है और भगवान के दिव्य मुखारविंद पर जो गोरज प्रस्तुत हुई है उसको अपनी साड़ी के कोने से पोंछती है और पोंछने के बाद वो कोने में ही झड़का देती है। उसी समय श्री राधा रानी के दिव्य सौंदर्य लावण्य माधुर्य और उनकी श्रीकांति के अंदर जितने भी रोमावली हैं वे सब चीटी बन करके और नंद महल में प्रवेश होती हैं और प्रवेश होने के बाद वो जो रजकरणिका है उसको अपने चरणों में उठाती है और उठाने के बाद नंद महल से बाहर आती है और बाहर आने के बाद जैसे ही श्री राधा रानी के दिव्य अंचल के हिलाने से मल्याचल पवन का उदयन होता है और उदयन होकर के वो चीटियों के चरणों में रज है वो छूट जाती है। छूटते ही हवा के स्पर्श से वह गोपियों के हवा के स्पर्श से वह वृंदा वह श्री नंदगांव के दिव्य पुष्प के ऊपर प्रस्तुत हो जाती है। जैसे पुंडरीक के भीतर भरे हुए मकरंद का आस्वादन करने के लिए भवरे उमड़ पड़ते हैं वैसे ही वह दिव्य रजकरणिका उस पुष्प के ऊपर चलती है। चल पड़ने के बाद जब उस पुष्पों का चयन करके गोपियां अपने कंठ में वो माला धारण करती है और ऐसी सांस लेती है कि वो पड़ी हुई रजकरणिका गोपियों के नासापुटों में प्रवेश करके श्री कृष्ण प्रेम की हृदय अग्नि को धक्का देती है। उससे श्री महाप्रभु का प्रादुर्भाव होता है। ये दिव्य महाप्रभु के प्रादुर्भाव की प्रादभूमिका है। ये ऐसे महाप्रभु आए हैं जिनका प्रादुर्भाव की प्रादभूमिका प्रेम से उत्पन्न हुई है भाव से उत्पन्न हुई है। उनको उनकी हम अर्चना करें उनकी समर्चना करें तो हमारे अंदर तो सोचे कितना भाव होना चाहिए। इसलिए कथा श्रवण करने से ही भाव की पुष्टि होवेगी। आप लोग महाराज जी की प्रेजेंस में महाराज जी जब जब रहें आप अपनी प्रेजेंस देते रहें कथा का श्रवण करते रहें कथा श्रवण से मंगल ही मंगल होगा। आप सभी के कल्याण की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को श्री सद्गुरुदेव के चरणारविंदों में अर्पण करता हूँ। हमारे दामोदर की नाम है दामोदर जी इधर आ जाओ और हमारे जीत प्रभु कहा है जीत प्रभु यहाँ पर कहा है जी इधर आ जाओ आओ पांच मिनट जल्दी आ जाओ। दामोदर भक्ति गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों और उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। सबके चरणों में यथा प्रणाम करता हूँ। भाई प्रभु जी ने तो बहुत सारे रसधारा के साथ सुनाया पर मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। एक बच्चा एक स्कूल में जा रहा है और क्लास में पढ़ने के लिए बैठ गया। क्या करने बैठ गया? पढ़ने के लिए। अभी टीचर ने कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखाया है और सबसे कह रहा है सब लिखो। सबसे क्या कह रहा है? सब लोग लिखो। पर एक बच्चा है जो बोल रहा है, लिखने की बजाय क्या कर रहा है वो बोल रहा है। अभी टीचर बाद में आएगा बोलने का समय, जब उसने बोलने के लिए सबको कहा तो वो बच्चा क्या कर रहा है? फिर लिख रहा है। अभी सब तो बोल रहे हैं वो लिख रहा, अभी टीचर तो उसको मिटाने वाला है क्योंकि जो लिख दिया वो तो दोबारा सुनाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? उस बच्चे को समझ में आएगा? जब जो काम करने का है तब तो उसने किया नहीं और जब उस काम को खत्म करके वो दोबारा सुनाने का समय आया तब वो क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो क्या होगा? आधा लिख पाएगा और आधा नहीं लिख पाएगा। टीचर कितनी देर वेट करेगा? मिटा देगा।
ऐसे करते करते क्या होगा, चलो एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गया, तीन दिन निकल गए, कुछ समय में ऐसा होगा 10 दिन 15 दिन में ही कि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जो जहां पहुंचनी थी बात सबकी समझ कि जो हम जिस काम के लिए वो काम कर रहे थे उसमें हमारी कितनी रुचि पैदा हुई है, कितना हमको अनुराग हुआ है, कितना जीवन में वो चीज आ रही है, इससे पता लगे हमने वो कार्य किया या नहीं किया। तो सबसे बड़े दुख की बात यही है कि जब कथा होती है तब हम हरिनाम करते हैं और जब हरिनाम करने का समय होता है तब हम बेकार की बात करते हैं। तो 10 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, कितनी भी साल हो जाए, जब तक यही समझ में नहीं आएगा हरिनाम कब करना है और कथा कब सुननी है और दोनों काम एक साथ, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की, मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं, बोलता हूं हमेशा, तो मैंने एक बार एक दो लोगों से बोला तो उन्होंने कहा प्रभु जी गुरुदेव भी तो हरिनाम करते हैं कथा में और भी तो बहुत सारे भक्त लोग करते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि जो लोग वो हरिनाम कर रहे हैं अगर उनके हाथ में माइक दे दिया जाए ना तो कथा में कब कौन सा प्रसंग में कौन सी बात किस बोलने वाले ने बोली थी वो बता सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि अभी हमारा नर्सरी में एडमिशन हुआ है और हम डिग्री करने वाले की बराबरी करने लग जाए, कॉलेज के स्कूल के टीचर की बराबरी करने लग जाए तो क्या होगा, जहां हम आए थे उस क्लास को भी कभी जीवन में पास नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? तो इसलिए कम से कम इतना तो हमको समझना ही पड़ेगा कि कब किस कार्य को करने का समय है। जब कथा सुनेंगे तब महिमा समझ में आएगी और महिमा समझ में आएगी तो उन्होंने कहा ना कि भाव कुभाव अनक आलस हो, भाव से कुभाव से अनक से आलस तो लेंगे लेकिन कब पता तो चले नाम की महिमा क्या है। तो नाम की महिमा अगर पता हो तो ठीक है, फिर भाव से हो कुभाव से हो, अनक के साथ हो या आलस्य के साथ हो अपना काम करेगा, किंतु मुझे जब मेरे को पता ही नहीं है उसकी महिमा क्या है तो ना तो मैं भाव से करूंगा, ना मैं कुभाव से करूंगा, ना मैं अनक से करूंगा, ना मैं आलस्य से करूंगा। ये कैटेगरीज तो तब है जब व्यक्ति को नाम की महिमा पता है और भले ही मन नहीं लग रहा, भाव भी नहीं आ रहा, किंतु क्या है उसको पता है नाम करने से कल्याण होना ही होना है, तो चाहे भावना बने या ना बने, आलस्य कितना भी हो, चाहे अनगनाते हुए लेट के क्यों ना करे, उसको पता लेट के करूंगा तब भी वही फल आना है और थोड़ा अच्छे से बैठ जाऊंगा थोड़ा जल्दी काम होगा, किंतु काम तो होना ही है, नाम तो अपना काम करेगा ना। दवाई बच्चे की नाक बंद करके पिलाई जाती है पहले, बचपन में जिस जिसने पिलाई होगी पता होगा, तो कुछ बच्चे ज्यादा ही शरारती होते तो एक लात ऐसे करके रखनी पड़ती है, एक हाथ ऐसे करके रखना पड़ता है, नाक ऐसे पकड़नी पड़ती है, फिर मुंह में जबरदस्ती घुसानी पड़ती है, तो तब भी ऐसे ही काम करेगी, पूरा काम करेगी अंदर जाएगी तो, और कोई बच्चा आराम से पी ले तो काम तो वही होगा ना। जैसे ही मेडिसिन अंदर पहुंचेगी चाहे किसी भी प्रयास से पहुंचे जाकर के अपना काम करना शुरू कर देगी, लेकिन सरलता के साथ होगी तो क्या होगा, ठसा लगने से बच जाएगा, जो आधी मेडिसिन वो बाहर फेंक देगा वो पूरी अंदर चली जाएगी, तो काम थोड़ा जल्दी होगा। तो सीधी सी साधारण सी बात यह है कि जब हम कथा को सही से नहीं सुनेंगे ना तो बाकी कोई भी कार्य हम अच्छे से कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कार्य पूरा करना कैसे है ये केवल हरि कथा से समझ आएगा। तो जब हम हरि कथा में आते ना हमको अपने हरि नाम को विश्राम देना पड़ेगा, उस कैटेगरीज में जब पहुंच जाएंगे ना जिनको हम देख करके उदाहरण देते हैं, फिर हमको अधिकार हो जाएगा कि हम कभी भी किसी भी स्थिति में हरि नाम कर सकते हैं। तो अच्छे से समझ लो कि जब हरि कथा में हो तो हरि नाम करने की आवश्यकता नहीं है, हरि नाम के लिए दिन में और बहुत सारा समय तब पूरा करो अपना, ठीक है। अगर ऐसे पालन करेंगे जरूर हरि कथा जब अंदर जाएगी ना, जब हम नाम करेंगे हमारी रुचि उसमें कई गुना बढ़ चुकी होगी और बड़े रस के साथ कोई कथा में महात्मा सुन लेते ना, जैसे श्री चैतन्य भागवत में श्रीधर सब्जी वाले का चरित्र आया और उनकी जब महिमा गान हुई तो उसमें लिखा हुआ है कि जीवन में चाहे कितनी भी दरिद्रता का सामना क्यों ना करना पड़े, अभी दरिद्रता तो लोग समझते भी नहीं है, दरिद्रता उस शब्द को कहते हैं कि जब आपके पास पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था ना हो, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको पीने को पानी ना मिल रहा हो, बहुत कम लोग होंगे, किंतु दरिद्रता में स्थिति उसको कहते हैं शायद पीने को पानी भी ना मिले और उसके लिए भी भटकना पड़ जाए। तो कह रहे हैं चाहे इतनी दरिद्रतम स्थिति क्यों ना आ जाए परंतु अगर भक्ति के सारे अंग अच्छे से पालन वो कर रहा है तो वो व्यक्ति ही परीक्षा में पास होगा
बाकी भक्ति की परीक्षा में सारे लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो कोई भी परिस्थिति हो सकती है, बड़ी सुखमय हो सकती है और बड़ी दुखमय हो सकती है, भक्ति के सर्वांग अंगों को नियम से पालन करने पर ही जीवन में हम उस परीक्षा में पास होंगे जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए, कृष्ण प्रेम पाने के लिए। और राधा दास्यम तो बहुत दूर की बात है, बहुत रस स्थिति की बात है, बट कम से कम जिस जगह हम आए हैं और बड़े सौभाग्य से गुरुवर्गों के दर्शन होते हैं, हमारे पूज्य जीत प्रभु यहां पर है, हमारे रोहिणी प्रभु यहां पर है, बहुत सारे लोग यहां पर है, गुरुपाद पद्म की क्या महिमा है, उनके जाने के बाद जो हम लोगों को समझ में आ रही है, उनके अगर रहते हुए समझ आती तो शायद बहुत कुछ हमारा जी, मेरे अपनी बात कर रहा हूं, तो शायद जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हम कर चुके होते या हो जाते उनकी कृपा से। किंतु आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपको अपने गुरु जी का बहुत सारा संग करने को मिल रहा है, पर आप इसकी कीमत को किस प्रकार आंकते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। ये इतनी सरलता से जो मिल रहा है ना, इसको आप तभी समझेंगे जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है। मान लो महाराज जी की विदेश में कथा कर रहे हैं और उस समय एक महीने तक कथा सुनने को ना मिले, फिर आए तो सब लोग तैयार हो जाते हैं छुट्टी कर, और लेकिन यही कथा अगर 8 दिन चल जाए तो क्या होगा, यही कथा अगर 8 दिन चले तो क्या होगा, अरे कल तो गई थी आज फिर जाना पड़ेगा। यहाँ के भक्त लोग अच्छे हैं, इसलिए महाराज जी बड़े खुश है क्योंकि आपने 8 दिन बहुत सारे लोग भर भर के आए ना, इसलिए कह रहे हैं 8 दिन क्या 10-12 दिन 12 दिन। पर हमेशा एक चीज को याद रखना है, गुरु वर्गों का वैष्णवों का, जैसे महाराज जी कह रहे हैं ना, गुरुवर्ग और वैष्णवों के संग में रहने से ही क्या होगा, जो हमारे साथ जो हम चीजें हमको नहीं पता है, जो हमारी चीजें आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम जो चीजें इतना प्रयास कर रहे हैं फिर भी हमको उसका रस नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, जब हम इनके संग में रहेंगे, इनसे वही प्रश्न आगे करेंगे तो क्या होगा, अति आनंद होगा और उसके जवाब मिलेंगे, और उससे क्या होगा, जीवन में भक्ति में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो ये जो गुरु का संग है, ये जो वैष्णवों का संग है, ये जो हमको मिल रहा है, इसकी कीमत को समझते हुए अपने जीवन को सही बनाने की कोशिश करें। और बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्प करो निश्चल पास पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। राघव प्रभु जी आए, हाँ देखो हरे कृष्ण प्रभु जी, तो मेरे को नहीं बोल जो बन महाराज कब आ रही कब आएंगे, 12 एक दिन पहले आए, हम सोच रहे थे एक दिन उनको यहाँ पर ना महाराज जी बोल देना बोलना महाराज, जब महाराज इच्छा हो यहाँ पर आकर के रह सकते महाराज जी, और यहाँ पर आकर के हरी कथा बोल सकते हैं, ठीक है महाराज जी, बोलते हैं मैं भी महाराज की जो मिली मैं महाराज को बोल दूंगा, यहाँ पर आकर किसी महाराज कथा बोले आस पास में कहीं रहेगा तो फिर आके क्यों बुरे रोड है, यहाँ पर एक अगर ज़्यादा नहीं बनाए कोशिश करके बाद में धीरे धीरे अच्छे तरह से बनाने की, इसलिए महाराज जी बोलना महाराज जब इच्छा महाराज आकर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वत श्री गौरभक्त वृंद, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सबसे पहले अपने परम पते नित्य वंदन श्री कृष्ण श्री कल्याण श्री कृष्ण प्रणाम नंद को आनंद प्रदान करता हूँ। उसके बाद समस्त दशम वैष्णव माता बहन बंधु सबके चरण प्रणाम करता हूँ। मेरा इस परंपरा में बचपन है, मतलब परंपरा बहुत लंबी है लेकिन मैं अभी जुड़ा हूँ, तो मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दों का अभाव है, लेकिन फिर भी आज गुरु जी की कृपा हुई है तो बोलने की कोशिश। प्रभु जी जीवन देखो सभी तो सामने ना,
दुनिया की तो बहुत कथा बोलते हैं, लेकिन जो भगवान की कथा अपना बड़े बड़े सौभाग्य से कोई बोल सकते हैं भगवान की कथा। इसलिए प्रभु जी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों ने अच्छी अच्छी कथा सुना दें, प्रभु जी की पहला बार कोशिश कर रहे हैं सुनाने के लिए। आप ये जो प्रभु जी है ना, ये वैष्णव परिवार है, इनको जो पिताजी ये निम्बार्क संप्रदाय में, इनका पिताजी निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव परिवार में प्रभु जी है, इनका पत्नी बच्चे इनका छोटी बच्चे बैठे तो बड़े हरिनाम करते भक्ति करते ग्रंथ पढ़ती इनकी छोटी बच्ची की कथा पढ़ती है, और इनकी परिवार पूरा वैष्णव परिवार, जब जब हम आते हैं प्रभु जी घर में ले जाते हैं, घर में मंदिर है, सेवा करते हैं मंदिर के लिए भी प्रभु हर तरह से मान धन से कोई दिक्कत इधर उधर है ना, प्रभु पहले तैयार रहते हैं, प्रभु पहले ही तैयार रहते हैं, हर तरह से कोई भी दिक्कत होगा हर तरह से मैं सेवा करने के लिए तैयार आगे बढ़ के करते हैं। उनको पिताजी तो इनसे और दो अंगुल ऊपर है, इनके पिताजी इनके ऊपर दो अंगुल ऊपर, क्यों? वो वैष्णव संप्रदाय में प्रभु जी निम्बार्क संप्रदाय में प्रभु जी अंतर्भुक्त हो गए। जब ये मंदिर बन रहा था जब दे रहे थे उनको पिताजी इतने प्रसन्न हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, जो भगवान की मंदिर के लिए मेरे बेटा दे रहे हैं, मस्जिद को बोल रहे थे, सोच रहे थे पता नहीं उनको पिताजी क्या बोलेंगे, इतना पैसा दे रहे हैं क्या सचिन, पिताजी इतने खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा है भगवान की मंदिर के लिए मेरे बेटा कुछ मंदिर के लिए बेटा दे रहे हैं, इसलिए इनका पूरा परिवार वैष्णव भक्त परिवार है। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मेरा बचपन हो तीन साल से मैं गुरुदेव के पास चढ़ाऊ में है, जैसे उसने कहा कि मैं दे रहा था, मैं नहीं दे रहा था, कहा ना किसी ने कि मेरे थोड़ा घमंड कैसा, तो मैं तो मेरे तो देने वाले तो गुरु जी हैं, गुरु है, और जैसा कि गुरु जी ने कहा है कि मैं जिस परिवार में जन्मा हूँ वो भी कोई प्रभु कृपाई है, इसलिए मतलब ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं कुछ कर पाता हूँ या भावनाएं कुछ इस तरह की हो जाती हैं कि गुरुदेव की या मठ की या वैष्णव वैष्णवियों के आसपास मुझे रहने का या उनके शांति में या उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिलता है, तो मैं उन्हें तो उसमें मतलब इस तरह की गुरुदेव ऐसी बात करेंगे तो मुझे डर है इस बात का कि कहीं घमंड नहीं होगा, तो आप सब कृपा बनाए रखें, ऐसी बात या मेरे मन में भी दूर दूर करना है, मुझको ऐसी कृपा बनाए रखें, सभी गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। ये मैं कहीं कहूँगा कि हम तो सब यहाँ बैठे हैं, गुरु जी का सब पे आशीर्वाद है, प्रभु कृपा है, लेकिन यहाँ पे मठ बनना ये हमारे जो अपनी संतान है, हमारा जो अपना आगे जो भविष्य है, मतलब तो हम अगर ऐसे पेरेंट अगर बात करें तो हम में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, इसकी बड़ी सबको टेंशन है, लेकिन यहाँ पे मठ का आना मुझे ऐसा लगता है कि हम पर बहुत बड़ी ऐत की कृपा है भगवान कृष्ण की राधा की कि गुरुदेव यहाँ पे आए और मठ बना दिया और इनकी कृपा हो। मैं यही कहूँगा कि मैं भौतिकवाद इंसान भौतिकवादी हूँ और क्योंकि संसार में बड़े दिनों से अटक ही आता और कभी बिजनेसमैन तो कभी जॉब नहीं, लेकिन ये जो यहाँ पे गुरु जी कृपा हुई है और यहाँ हमारे आसपास बहुत आराम से हमें भागवत कथा मिल जाती है, ये मैं तो यही कहूँगा कि हमारा पूर्व जन्मों का की प्रारब्ध है और हमें इस तरह की कृपा गुरुदेव की हो जाती है तो हम यहाँ पे अपने आप को चार्ज करने के लिए आ जाते हैं। मेरा अपना जो तजुर्बा है, जो मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि जब हम मठ से बाहर निकल जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारा मन हमारा शरीर बहुत सारी ऐसी चीज़ों से कलुषित चीज़ों से दूषित हो जाता है, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है कि जब भी गुरु जी आते हैं एक त्यौहार सा बनता है, एक फेस्टिवल सा होता है, और जो बीच बीच में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं वो जैसे यहाँ आते हैं तो हम और शरीर मन अगर कायदे से कहें तो धन सब पवित्र होने लगता है, ये कृपा है भगवान की उस पर आप सब पर, तो इस कृपा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे गुरुदेव का और प्रभु का धन्यवाद करूं, ऐसा मैं मानता हूँ।
तो ये हम सब पे बड़ी कृपा है। और जैसे गुरु जी कहते हैं कि हरिनाम करें, हरिनाम का से मुझे मेरा जो मैं आपको बताता हूँ कि कई बार बिजनेस में भी या कहीं भी इस तरह के प्रभाव आते हैं और बहुत मन घबरा जाता है और कई बार नींद नहीं आती। मैं हरिनाम की आपको ये बात बताता हूँ कि जब भी मतलब मुझे नींद बीच बीच में ऐसा हुआ है, अनुभव की बात है कि बिजनेस प्रेशर हुआ, नींद खुल गई रात को 1:30-2 बजे, यकीन मानिए कि आप उस समय गुरु जी को याद करो और हरिनाम करते चले जाओ, नींद आ जाती है। इतनी बड़ी औषधि है ये नींद, ये मेरा अनुभव की बात है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये है, ये बिल्कुल सत्य है। और सिर्फ गुरु जी को मतलब इस बीच में जब से गुरु जी की कृपा हुई है तो मैं बिजनेस में हूँ और मुझे पता है कि बिजनेस में रहते हुए बड़े सारे गलत और झूठ और सच बोलने पड़ते हैं, लेकिन क्यों मैं बोलता चला जा रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन चलते चले जा रहा है। इस बीच में बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई और बड़े सारे डिप्रेशन किस तरह की आई, बड़ी सारी चीज़ें अप एंड डाउन हुए, आपको बताइए बिजनेस का प्रेशर किस तरह का आज के माहौल में चल रहा है। लेकिन ये सत्य है कि गुरु जी का उससे ध्यान करिए और हरिनाम के लिए, नींद कब आ जाएगी पता नहीं होता, इतनी बड़ी औषधि है हरिनाम करना। तो ये हमें और ये जैसे कि अभी गुरुदेव ने कहा कि ये परिवार कुछ इस तरह का है, परिवार गुरु जी के नोएडा में आने से और मैं गुरु जी के चरण कमलों में कब जुड़ गया करके वो प्रभाव मेरे घर तक पहुंच गया है। इसमें पिताजी का तो बहुत बड़ा योगदान है, ये भी कोई प्रारब्ध है कि मैं उस पल में जन्म लिया मैंने, लेकिन गुरु जी के आने से ये जो मेरी जो मुझे एक लगता है कि मेरे बच्चे कैसे होंगे करके, ये गुरुदेव की कृपा से निश्चित रूप से मुझे पूरी तरह से भरोसा है। जैसे कि कल भी वो हो रही थी कि भगवान को कैसे महसूस किया जाए, मैं महसूस कर पाता हूँ कि गुरुदेव हैं और भगवान हैं तो आपकी संपत्ति भी अच्छी ही होगी, निश्चित रूप से अच्छी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये प्रभाव गुरुदेव ही का है, गुरुदेव असल मेरा कुछ नहीं है, मैं बस मेरी कोशिश ये रहती किसी तरह से गुरुदेव घर चले जाए। यकीन मानिए बच्चों में इससे पहले बेशक मैं पिताजी के घर में जन्म लिया मैंने तो मुझमें ये भावनाएं थी, पिताजी मुझे बचपन में भागवत सुनाने ले जाते थे उंगली पकड़ के, लेकिन मेरे बच्चों को वो माहौल नहीं मिला, कभी नहीं मिला। बड़े दिनों से मैं इस लालसा में था कि कब कोई संत आएंगे और उद्धार करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि संत आएंगे तो उद्धार होगा। तो मैं ढूंढ रहा था, बिजनेस में भी लगा हुआ था, बस कृपा हो गई, गुरुदेव रजतगार में कथा कर रहे थे, प्रभु कृपा से पिताजी भी बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे बस ऐसे ही इशारा किया कि पिताजी ये तो मुझे ठीक लग रहा है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसे ये है तो उनका यही है तो चला जा। और वही मैंने गुरुदेव से हरिनाम ले लिया और बस मेरी कोशिश ये रही कि किसी भी तरह से गुरुदेव घर चले जाए, किसी भी तरह से गुरुदेव घर चले जाए। तो जीत प्रभु जी की कृपा से मैं गुरुदेव को घर तक ले जाता रहा और वो जो माहौल बना है वो सिर्फ गुरुदेव के चरण कमरों के घर में पढ़ने से ही बना है। मंदिर पहले से ही था पिताजी के प्रभाव से, लेकिन उसमें पूजा की विधि, बच्चों में प्रभाव, छोटी बेटी ने हरिनाम लिया वो करने लग गई, बड़ी बेटी भी करने लग गई। मतलब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गुरुदेव की कृपा है, ऐसा कहने से फिर मैं बार बार कह रहा हूँ मुझमें घमंड ना आए कि बच्चे हरिनाम कर रहे हैं, पर ये हो सब गुरुदेव की कृपा से ही रहा। अब मैं एक छोटी सी बात है कि जैसे कि अभी सब सारे प्रभु जी कह रहे हैं कि हरिनाम करिए, उसका एक ही, जैसे कि हम बचपन में कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये हरिनाम करने का समय नहीं है या हम बुढ़ापे में जाके ऐसा कर लेंगे, ऐसा एक्चुअली नहीं है। मैं खुद देख रहा हूँ हमारे आसपास के जितने भी हमारे अपने बुजुर्ग हैं, अगर हम बचपन में हारमोनियम बजाना नहीं सीखेंगे तो हम इस अवस्था में या बुढ़ापे में हारमोनियम बजाना बजा ही नहीं सकते। ये हरिनाम बेसिकली ऐसी कला है कि जब इसको आप बचपन से शुरू कर देंगे तो ये बुढ़ापे में आपको साथ दे देगी, अदरवाइज तो आपको करना ही नहीं आएगा, आपको हारमोनियम को उस पर फिंगर्स ही नहीं चलेगी, आपकी हरिनाम के लिए वो मारा चलेगी ही नहीं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे हमारे
इस संसार में ऐसे मतलब हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर उनको कहो कि माला पकड़ी कैसे जाती है उनको नहीं पता, उनकी उम्र 45 साल है, 50 साल है या 55 साल है, लेकिन अगर उनको बचपन में ये बात सिखा दो कि ये माला ऐसे पकड़ी जाएगी और ऐसे इसको चलाना है, ये आदत हमें यही डालनी पड़ेगी, और ये आदत अगर यहाँ से पड़ जाएगी तो हमारा बुढ़ापा नहीं हम पकड़ पाएंगे इसको, अगर ये अभी नहीं पकड़ी तो ये बुढ़ापे में नहीं पकड़ेगा। तो मैं बस यही अपनी वाणी को विराम दूंगा, गुरुदेव की कृपा से आप सब इसके बाद में आरती फिर प्रसाद तस्मै श्री गुरुवे पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी बहुत विलम्ब हो गया है, 8:30 हो गए हैं, अब चिंता नहीं करो, आप कहेंगे एक के बाद एक के बाद एक, अब इस 5 मिनट में कथा को विश्राम दूंगा। जीवन में सबसे बड़ी कृपा भगवान की क्या है, अपने प्रिय भक्तों को भेजना। किसी को यदि भगवान के भक्त मिल गए, शुद्ध भक्त मिल गए, समझ लो भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर होगी। और फिर क्या हो गया, भगवान के भक्त क्या करते हैं, वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण, वैष्णव के संग से शुद्ध भक्तों के संग से क्या होता है, आनंदित अनुक्षण, हर पल नया नया आनंद आता है। पहले क्या होगा, शुरुआत में तो हमारे जो कमी है वो अनर्थ दूर होंगे, और फिर उनकी कृपा से जैसे बता रहे हैं, जैसे बहुत सारे भक्त इतने प्रसन्न है मंदिर में सेवा करने से, नया नया आनंद आता, बताते इतना आनंद आ रहा है गुरुजी 1 महीने से, रोज सेवा मिल रही है, रोज सेवा, भगवान की सेवा से ऐसे ही आनंद आता है। भगवान की सेवा और संसार की सेवा में बड़ा अंतर है, आप 50 साल संसार में सेवा करके देखो और किसी संत के पास जाके एक क्षण में उनकी सेवा करके देखो 1 मिनट की, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, कितना नया प्रकार का आनंद आता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो हमें मिले हैं, और बड़ा सुयोग मिल रहा है यहाँ पर, कभी कोई महाराज जी हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी आते हैं, अभी पूज्यपाद भक्तिवेदांत माधव महाराज जी आए, और यहाँ पर रोज ही रोज कोई ना कोई कथा कीर्तन जब से हुआ हो ही रहा है। तो भक्त क्या करते हैं, कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो क्या करते हैं, भक्तों के संग में आनंद कहाँ से आएगा, कि भगवान की प्रिय लगने वाली कथा, कथयंतस्य माम नित्यम, वो भगवान की प्रिय कथा करते हैं। जो भगवान सारे जगत को पालन करने वाले प्रेमी भगवान है, रसिक भगवान है, उन भगवान की कथा जीवन भर करते हैं, और क्या करते हैं, तुष्यन्ति च, वो तुष्ट हो जाते हैं, उसमें रमण करते हैं, और सारे जगत को क्या करते हैं, सारे जगत को सुख कर देते हैं। और हम भी क्या करेंगे, रमन्ति च, अभी हम संसार में रमण कर रहे हैं और दुख लग रहा है, पर भगवान के भक्त क्या करेंगे, अपने प्रिय जो उनके इष्ट देव है भगवान, उनकी कथाओं में हमारा रमण करा देंगे, उनकी लीलाओं में डुबो देंगे, उनके साथ संबंध करा देंगे। तो क्या करेंगे, कथयंतस्य माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, हम सारे तुष्ट संतुष्टि मिल भी जाएगी और हमारे को नए पल पल में नया आनंद आएगा। इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि उनके प्रिय भक्तों का, बस भगवान के भक्तों का संग मिलता रहे। भागवत उठा के देखो, वेद पुराण उपनिषद कुछ भी उठा के देखो, प्रहलाद महाराज ने भगवान साक्षात मिल गए तो बोले कि क्या चाहिए, उन्होंने भगवान के भक्तों का संग मांगा। और ध्रुव महाराज ने क्या मांगा, अंत में भगवान सामने दर्शन दे रहे, कहते ध्रुव कुछ प्रार्थना करो, तो ध्रुव ने क्या मांगा, प्रभु आपके भक्तों का संग। अम्बरीश महाराज ने भगवान के भक्तों का संग मांगा। जितने भी शुद्ध भक्त हुए हैं, यहाँ तक भी ब्रज गोपियां क्यों कहते, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, प्रभु आपकी कथा अमृत के समान है और संसार के तपे हुए जीवों को आनंद देने वाली है। भगवान की कथा भगवान के भक्तों से निकलती है, अगर भक्तों का संग मिल गया तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तो हम लोग ऐसे बार बार गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, शुद्ध भक्तों का संग मिलता रहे, अपने जीवन को सफल बनाए।
अभी अभी राघव प्रभु जी बोल रहे थे ना, बड़ी कृपा हो गई जो यहाँ भगवान के मंदिर बने हुए हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे, श्रील प्रभुपाद कहते थे ये गौड़ीय मठ नहीं है। बोले क्या है? बोले गोलोक वृंदावन से राधा रानी की निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ ले आया, राधा रानी की निकुंज मंदिर मैंने यहाँ पर ले आया है। ये प्रभुपाद कहते थे। बोले क्यों? बोले राधा रानी का निकुंज मंदिर में क्या होता है, सवेरे सवेरे गोपियाँ उठ करके नहाते हैं, तिलक लगाते हैं, ठाकुर जी का आरती उतारते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं, हैं? इसलिए प्रभुपाद कहते देखो यहाँ पर भी यही हो रहा है ना, भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते हैं, वहाँ पर भी वही करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे यहाँ पर जैसे कहीं जब के लिए हमें पढ़ाई करना पड़ता है, जो जितने अच्छे तरह से पढ़ाई करेगा उसको बढ़िया जब मिल जाएगी। ये गौड़ीय मठ नहीं, कहते ये क्या है, कहते ये प्रैक्टिस सेंटर है, ये प्रैक्टिस सेंटर है। अगर यहाँ पर कोई आए कीर्तन में कथा सुने भक्ति करे ना, बस आपको पासपोर्ट वीजा बन जाएगी, कोलोक वृंदावन जाने का आपको पासपोर्ट वीजा बन जाएगी। यहाँ पर जितने अच्छे तरह से आओगे, कीर्तन कथा सुनोगे, हैं, गोलोक वृंदावन में तो यही होता है ना, बैठ करके ठाकुर की कथा कीर्तन हो रही है, यहाँ पर भी यही हो रही है। इसलिए ये गौड़ीय मठ नहीं, ये राधा रानी के निकुंज महल यहाँ पर है। इसलिए आप लोग यहाँ पर आते रहो, कथा सुनते रहो, बच्चों को भी यहाँ पर लाओ, बच्चों के अंदर में हमारे श्री अनिरुद्ध प्रभु जी और यहाँ पर सेमिनार देते हैं बच्चों के लिए, अपना बच्चों को जरूर लाया करो, ठीक है ना। देखो हम घर में जो पैसा कमाते हैं बच्चों के लिए, अगर बच्चे हमारे सही हो गए ना, फिर तो तुम्हारी पैसा कमाना सही हो गया। अगर बच्चे अगर बिगड़ गए तो बस गया, जितने कमाया धमाया सब सत्यानाश हो जाएंगे, सब सत्यानाश हो जाएंगे। इसलिए क्या करो, अपना बच्चों को लाओ, हरी कथा सुने, बच्चे अच्छे संस्कारी बने, सवेरे उठ कर पिता माता की चरण छुए, पिता माता की चरण छुए, गुरुजनों का आदर करे, हैं, बस घर में गीता हो, बहु सीता जैसा हो, राम जैसे बेटा हो, बस घर भगवान की धाम है। हाँ वही अयोध्या, वही श्री अवध है, वही अयोध्या जहाँ पर युद्ध नहीं हो, अवध मतलब जहाँ पर वध नहीं होता है, ठीक है ना, वही भगवान की धाम गोलोक वृंदावन। इसलिए आप एक बार आते रहो और खूब भगवान की कथा सुनो, भजन करो। और देखो जो परसु है, जो परसु ध्यान देकर सुनो, दिन क्या प्रभु जी का रसोई बनाते क्या ना, दिन बंधु प्रभु है क्या, नहीं है, ऊपर चले गए। हाँ देखो जो परसु है हमारे गुरु वर्गो में एक श्रील भक्ति प्रमद श्री पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमद श्री पुरी गोस्वामी महाराज का आविर्भाव ना तिरुभाव तिरुभाव तिथि, उसी दिन विरह तिथि, उसी दिन उन्होंने शरीर छोड़े थे। इसलिए उसी दिन परसु है, परसु इसलिए है, एक अक्टूबर को हम बनाएंगे, हैं, एक अक्टूबर को हम बनाएंगे यहाँ पर दोपहर में, क्योंकि शाम को करना चाह रहे थे लेकिन उसी दिन हमको और कहीं के प्रोग्राम है, फिर वृंदावन हमें जाना है, इसलिए एक तारीख को परसु यहाँ पर दोपहर में आप लोग पधारो, ठीक है, हैं, हाँ 10 बजे आ जाओ यहाँ पर, थोड़ी सी कीर्तन हो जाएगी, उनकी कथा हो जाएगी, उनकी चरण में पुष्पांजलि दोगे और यहाँ पर प्रसाद, यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था परसों 1 तारीख को। इसलिए आप कृपा करके सबके सब 10 तारीख को सब यहाँ जरूर आना, हाँ 1 तारीख को, 1 तारीख को सबके सब 1 तारीख को आना। हाँ वो बोल रहे थे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएंगी, बंगाल का महाप्रभु जिसको बड़े प्रेम से खाते थे वो सब चीज बनाऊंगा, सबके सब आना, ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की, गीताई गौर ब्रह्मानंदे, आरती करो अनुभव, आरती आरती की करी, ओ शिखर ठीक है, खोली दो खोली, उसको बंद कर दे, चल इधर से चला, गौर शंकर हरि बोल, हरे कृष्ण, और ठीक ठाक हो बच्चा, ठीक है, पढ़ाई क्या कर रहा है, ठीक ठाक, उसको बीच बीच में सेमिनार में ला,
अनुपम प्रभु, अनुपम प्रभु आ जाओ। की बजाया माता जी थोड़ा हटना, Hey!
Jai Gaur Gata 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 Jai Gaur
Krishna, Krishna, Krishna,
Oh,
आज जन्म तिथि है, वो बच्चे को आशीर्वाद देंगे और सबके सब हाथ ऊंचा कर देंगे।